तो फाइनली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस लेटर का पूरा महत्व, पूरा समरी और पूरा डिटेल समझना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं का भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, अन्यथा बाद में आप लोग खुद जो है कमेंट करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, संघ ने ऐसा किया तो क्या हुआ। क्योंकि लगातार ये पीडीएफ मुझे भेजा जा रहा है कि संघ के द्वारा जो हड़ताल के संबंध में पत्र जारी किया गया है, सेविकाओं सहायिका के ऊपर कार्रवाई के संबंध में जो अलग अलग सेपरेट लेटर परियोजना से भेजे जा रहे हैं, उसके बारे में संघ का क्या कहना है, किस प्रकार संघ ने सरकार से रिक्वेस्ट किया हुआ है और उनसे सरकार से उम्मीद कर रहा है कि कार्रवाई नहीं करेंगे, और साथ में पांच बड़े प्रश्न जो है संघ ने आईसीडीएस विभाग के निदेशक से पूछे हुए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको लेटर दिखाते हैं जो संघ के द्वारा जारी किया गया। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई ऐसा लेटर और नोटिफिकेशन न्यूज हो तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फाइनली बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो आप सभी सेविका सहायिका जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन टोटल एनालिसिस के बाद इसका समरी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पिछले 3-4 घंटों से आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर लगातार इस पीडीएफ को और साथ में संघ के द्वारा जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ लगातार मुझे फॉरवर्ड किया जा रहा है और मुझे रिक्वेस्ट किया जा रहा है काफ़ी लोगों द्वारा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाए ताकि सभी सेविकाओं और सहायिकाओं को जानकारी मिल पाए। 3 घंटे के बाद जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो काफ़ी सारे लोगों ने ये मैसेज भेजा हुआ था। जो भी लोग आप सभी मैसेज भेजते हैं, अलग अलग जिलों से लेटर भेजते हैं, आप सभी का धन्यवाद, इससे अन्य लोगों को भी जानकारी मिलती है। तो देखिए ये लेटर जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना केदार भवन अदालतगंज रोड में जो है उनका ऑफिस, जो संयोजक मंडल कुमार बिंदेश्वर सिंह और मीना कुमारी जी हैं, इनके तरफ से जारी किया गया। इसका पत्रांक 38/23 है और 27 अक्टूबर 2023 कल शाम को इस लेटर को जारी किया गया है। देखिए इस लेटर को सीधे सीधे आईसीडीएस के डायरेक्टर को जो है आईसीडीएस ऑफिस को जारी किया गया है और किस प्रकार जो है संघ के द्वारा जो है अब आईसीडीएस को एक तरह से रिक्वेस्ट किया जा रहा है अलग अलग नियमों का हवाला दे करके कि आंगनवाड़ी वर्कर्स पर जो फिलहाल कई जगहों पर जो है पत्र जारी करके कहा जा रहा है काम पर वापस है तो उस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर पत्र का विषय क्या लिखा गया है। क्लियरली लिखा गया है कि हड़ताल में रहने वाली सेविका सहायिकाओं के साथ कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में। पूरी वीडियो आपको देखने पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हर बार की तरह हजारों की संख्या में वीडियो देखते हैं और लाइक भी आप लोग करते हैं, इसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आए। लिखा गया है महाशय संविधान सभी नागरिकों को समान से जीने का, समानता से जीने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 21 में है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और न्यूनतम मजदूरी हासिल करने का प्रावधान सभी मजदूरों के लिए है। साथ ही संविधान प्रदत्त अधिकारों को दिलाने का दायित्व भी सभी सरकारों को है। ऐसा नहीं करने पर सरकार के विरुद्ध जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन या हड़ताल करने का संविधान भी जो प्रावधान भी संविधान में है। संगठित होकर आंदोलनरत मजदूरों पर व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करने के विरुद्ध आपराधिक मामले बनते हैं जिसके तहत न्यायालय जाने का अधिकार सभी सेविकाओं सहायिकाओं को है। देखिए संघ के द्वारा कहीं ना कहीं यह मूड बन रहा है कि अब जो है न्यायालय का जो शरण लिया जा सकता है या फिर न्यायालय का जो सहारा लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है अब सेविकाओं सहायिकाओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो है अलग अलग जगह पर प्रेशर आ रहा है और इससे जो है जो संगठन अभी तक बना हुआ था कहीं ना कहीं उसे जो है टूटने का डर बना हुआ है। इसलिए लिखा गया है कि न्यायालय जाने का अधिकार है, इसलिए पदाधिकारी से आग्रह है कि आप सक्षम है तो सामूहिक कार्रवाई करें, अन्यथा व्यक्तिगत कार्रवाई करने पर आपके विरुद्ध मजबूरन आपराधिक मामले के तहत न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। समझिएगा इस पूरे सेंटेंस को, संघ यह कह रहा है कि आप अलग अलग सेपरेट सेविका को जो कमजोर है या फिर जो गरीब है उस पर टारगेट नहीं करें, ये संघ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लिखा गया है कि पदाधिकारी से यानी आईसीडीएस डायरेक्टर से आग्रह है कि अगर आप सक्षम हैं तो सामूहिक कार्रवाई करें, सभी सेविकाओं को कार्रवाई कीजिए, सभी सेविकाओं की नौकरी खत्म कीजिए, सभी सेविकाओं को जो करना है वो कीजिए, व्यक्तिगत 2-4 सेविकाओं को टारगेट नहीं कीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध मजबूरन आपराधिक मामले के तहत कोर्ट में जाने के लिए हम स्वतंत्र होंगे यानी जा सकते हैं। लिखा गया जब संवेदनहीन गैर लोकतांत्रिक कदम उठाते हुए सरकार और वित्त विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कर्तव्यों का नापाक इरादे से बार बार बोध कराई जा रही हो, तब संगठन और संघर्षरत सेविका सहायिकाओं को सरकार और विभाग से जानने का यह हक है। देखिए कौन कौन से सवाल जो है संघ ने सरकार से, आईसीडीएस विभाग से और समाज कल्याण विभाग से पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है संघ का, क्या बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद
बजट में भारी कटौती करना, 300 दिनों तक पर्याप्त पौष्टिक आहार मुहैया नहीं कराना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बाजार भाव से कम कीमत और 1 रुपये प्रति बच्चा के हिसाब से नाश्ता मुहैया कराकर प्राप्त पौष्टिक युक्त राशन उपलब्ध नहीं करना गरीब बच्चों के साथ भद्दा मजाक एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का घोर उल्लंघन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या महिला कर्मियों से कम मजदूरी पर ज़्यादा काम करवाना वाजिब मजदूरी हेतु जनतांत्रिक तरीके से संघर्ष को संवैधानिक अधिकार पर कानून का सहारा लेकर दमन करना मानवाधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं है। सब जो है संविधान के तहत नियम के मुताबिक ही जो है जो प्रश्न जो है वो संघ के द्वारा जो अधिकारी पदाधिकारी विभाग से पूछे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देखना होगा सरकार क्या देती है या ICDS के पत्र में क्या आता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग वीडियो तो लाइक कर रहे हैं लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि संघ की रणनीति किस प्रकार की और किस प्रकार जो है वो एक संवैधानिक तरीके से एक दायरे में रहते हुए लड़ाई चल रही है और संघर्ष चल रहा है। बट अच्छी बात लिखी गई है कि 1 रुपये प्रति बच्चा के हिसाब से नाश्ता कहाँ से आएगा, कौन सा नाश्ता 1 रुपये प्रति बच्चा के हिसाब से खर्च होता है, साथ में जो है इतना कम पैसा में जो हिसाब किताब होता है किराया का उसमें जो है चीज़ें उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं होता है, सरकार इस पर ध्यान दे। चौथा क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से मांग की जा रही वाजिब मांग पर विचार नहीं करना और कठोर आंदोलन जैसे हड़ताल भूख हड़ताल आत्मदाह के लिए मजबूर करना आंदोलनरत कर्मियों से संतोषजनक वार्ता न करना एवं आंदोलन के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाना गैर जिम्मेदाराना अलोकतांत्रिक कदम संविधान विरोधी न्याय विरोधी न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं है क्या। साथ में लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के ग्रेचुटी संबंधी आदेश को लागू नहीं करना संविधान का विरोध करना न्याय विरोधी न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं है क्या। ये 5 बड़े बड़े संवैधानिक और नियम पूर्वक क्वेश्चन जो है काफ़ी प्रेम से संघ ने ICDS के डायरेक्टर से पूछे हैं, अधिकारी पदाधिकारी से पूछे गए हैं। लिखा गया है कि पुनः उपयुक्त तथ्यों के आलोक में संयुक्त संघर्ष समिति सरकार से ये अपेक्षा करती है, रिक्वेस्ट करती है, ये उम्मीद करती है कि हठ धर्मिता को त्याग कर एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का कुत्सित प्रयास न कर अन्य संविदा कर्मियों की भांति आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक वृद्धि सहित अन्य उचित मांगों पर निर्णय लेकर शीघ्र आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें। संघ का कहना है कि जो भी हमारी मांग है उसमें से जो भी मांग जायज है जो भी मांग सही है उस पर विचार करके और जल्द से जल्द आदेश निर्गत करें, इस बार जो है आश्वासन से काम नहीं चलेगा। लिखा गया है हड़ताल सेविका सहायिका के साथ हो रहे कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाने की कृपा करें, यानी संघ रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऐसा न किया जाए और हमारे सवालों का जवाब दिया जाए। अतः श्रीमान को सादर सूचनार्थ कार्रवाई हेतु प्रेषित भावदीय संयोजक मंडल बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना बिहार। यहाँ पर जो है नीचे आपको मैं सिग्नेचर दिखाऊंगा और साथ में यहाँ पर देखिए लेटर को जो है मुख्यमंत्री को भेजा गया है, समाज कल्याण मंत्री को भेजा गया है, मुख्य सचिव को भेजा गया है, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग को भेजा गया है, पूरे बिहार के DM को DPO को CDPO को भेजा गया है, कुमार बिंदेश्वर सिंह जी का सिग्नेचर और यहाँ पर सारे जो भी पदाधिकारी अधिकारी संघ के हैं सदस्य अध्यक्ष जो भी हैं उनका सिग्नेचर और 27 अक्टूबर का डेट आपको क्लियरली देखने को मिल जा रहा है। उम्मीद यही है कि सरकार कुछ ना कुछ इस पर विचार जरूर करेगी, आने वाले जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है ICDS निदेशक भी इस पर कुछ ना कुछ अपना मत जरूर रखेंगे। फाइनली पूरी वीडियो समाप्त हो गई, आपने समरी समझ लिया किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपको वीडियो में देखने को पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।